रायबरेली में एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह पत्रकारों से हुए रूबरू और जिले में बढ़ रही अपराध पर अंकुश लगाने के लिए रहेगी पूरी प्राथमिकता, थाने पर ही होगी पीड़ित की सुनवाई। सीयूजी नंबर ना उठाने वालों पर भी होगी बड़ी कार्रवाई। वही एसपी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए दी पूरी जानकारी। देखिए, एसपी रायबरेली का चार्ज आज मेरे द्वारा ग्रहण किया गया है। इससे पूर्व में मैं एसपी सोनभद्र के चार्ज पर था। इसमें प्राथमिकताएं जो शासन की और पुलिस हेडक्वार्टर की जो अपेक्षाएं हैं वही रहेंगी। सबसे पहले महिला अपराध को, सर्वप्रथम महिला अपराध जो हो रहे हैं क्षेत्र में, यदि कहीं हैं तो उस पर त्वरता से कार्रवाई की जाएगी, त्वरित कार्रवाई उस पर की जाएगी। अभी आप लोगों के द्वारा बताया गया कि जनपद में कुछ चोरी और लूट की घटनाएँ हुई हैं विगत दिनों में, उसमें प्रयास करके उन घटनाओं का अनावरण किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा और सभी लोगों से, वो मीडिया हो, आम जनमानस हो, जनप्रतिनिधि हो, अच्छा व्यवहार और अच्छा सामंजस्य बनाने का पुलिस की टीम के द्वारा प्रयास किया जाएगा। इसमें अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाएगा कि व्यवहार उच्च कोटि का रखें। यही कार्य आने वाले समय में करेंगे। बाकी इसके अलावा जो और अपराध हैं उसमें भी लगातार गश्त बढ़ा के और लोगों को मोटिवेट करके पुलिस टीम की उसको घटनाओं को रोका जाएगा और गुड वर्क भी जनपद में किया जाएगा। अक्सर देखा जाता है सर, थाने में पीड़ितों की सुनवाई नहीं होती, मुख्यालय आना पड़ता है, क्या निर्देश देना चाहिए? देखिए, इसमें सभी को जैसा पूर्व से निर्देशित भी है कि 100% सुनवाई करें। बहुत से केसेज ऐसे होते हैं कि वो थाना लेवल से समाधान उनका नहीं हो पाता, तो वो लोग हमारे दफ्तर में भी आते हैं और थाने पर भी सुनवाई जितनी होती है। कुछ थाना अध्यक्ष ऐसे हैं जो सुनवाई नहीं करते, वो चिन्हित हो जाते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सर, फ़ोन नहीं उठाए जाते हैं थाने में? अगर ऐसी शिकायत मिलती है किसी की, अगर फ़ोन नहीं उठाता है तो उसको निर्देश है शासन के द्वारा भी कि वो बाद में कॉल कर सकता है। ये इसके लिए हम बता देंगे कि फ़ोन अगर नहीं उठता है तो संबंधित नंबर पर बैक कॉल करें।